এটা গায় না এবং हमारे महाविद्यालय में जो हमारा ये कैंटीन है, उस कैंटीन के पास में एक सांप निकला है और जैसे हमें सूचना मिली तो हमने इस सांप को कैप्चर करने के लिए, इसका रेस्क्यू करने के लिए हम तुरंत अपने ऑफिस से आए। और अभी ये जो स्नैक आप जो देख रहे हो, ये स्नैक है, ये सैंडपो है और इसका हमारे जो जूलॉजी की डेफिनेशन, इसको बोलते हैं एरिक्स जेकुलस। और हमारे इसको नॉर्मली अपने जो शेखावटी भाषा में या लोकल एरिया के अंदर इसको दुमुही के नाम से जाना जाता है और ये आमतौर हमारे खेतों में पाया जाता है और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ ये कहना चाहेंगे कि सांप जो वगैरह होते हैं मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक पर्यावरण के, हमारे एक बायोडाइवर्सिटी के परिचायक होते हैं, जो एक संतुलन बना रहता है। और जिसके साथ हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी सांप वगैरह आपको अगर मान लो घर में निकल आए और ये वहाँ निकल पाता है जहाँ साफ़ सफाई ना हो, तो साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी सांप है उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारने के साथ हमारा एक जो पर्यावरण का हम देखें संतुलन बहुत ज़रूरी है, कि जिस प्रकार से अपन को अपनी ज़िंदगी प्यारी है वैसे इनको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा। हाँ, हो सकता है कि देखो डर एक चीज़ होता है कि डर है कि डर से सांप ने बाइट कर लिया, मौत भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लो सांप ने कभी बाइट कर भी लिया तो तुरंत आप उसको हॉस्पिटल में दिखाएँ, डॉक्टर से इलाज करवाएं, किसी झाड़ फूँक के चक्कर में ना आए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर के पास तुरंत मतलब आधा घंटा या एक घंटा तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे और उसका इलाज करवाए। प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार ये है कि सांप जैसे अगर मान लो बाइट कर ले तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि वहाँ पे जो लाल मिर्च होती है वो लगाते हैं अक्सर गाँव में, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लो जहाँ से अगर मान लो कि सांप ने यहाँ से बाइट किया है तो उसके दोनों साइड में आप एक कपड़ा बांध सकते हो, वो भी सूती कपड़ा टाइट, ताकि क्योंकि जैसे वो बाइट किया है और बाइट करने के बाद, क्योंकि अगर मान लो सांप जो होता है उसमें पॉइजन है तो पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट ना हो, तो वहाँ दोनों कपड़ों से, दोनों साइड से कपड़ों से टाइट बांध दें और फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास